कि गरीब लोगों के साथ में एक उसके कानों के अंदर सोने का कोई आभूषण पहना हुआ होता है। जब किसी व्यक्ति के अपने समाज के साथ कोई अनहोनी घटना होती है तो भला वो सरकारी कार्मिक ही क्यों नहीं रहा, उनके साथ न्याय के लिए लड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। और ऐसा ही एक व्यक्ति है जिनसे मैं अभी आपको मिलाऊंगा। बिल समाज इशाराम प्रकरण को लेकर आज धरने पर था, लेकिन दो दिन से एक सरकारी कार्मिक भी उनके साथ धरने पर बैठे और न्याय की गुहार लगा रहे थे। प्रशासन से लंबे समय तक वार्ता भी हुई। सर, आप खुद राज्य के कर्मचारी है, प्रशासन से लंबी वार्ता भी हुई होगी, आप खुद भील समाज से हैं, इशाराम प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इशाराम प्रकरण को लेकर के मेरा ये कहना है, मैं राजस्थान भील महासभा का प्रदेश महामंत्री होने के नाते और भील समाज के एक किसान आदमी की हत्या का न्याय दिलाने के नाते और समाज के सहयोग के नाते दो दिन धरने के अंदर मैं आया। और धरने के अंदर सबमिट होने के बाद जितने भी कर्मचारी है हमारे समाज के 36 कौम के लोगों ने इस केस के अंदर खुलासे के अंदर बहुत ही तनमन से और ढंग से सहयोग दिया है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि गरीब लोगों के साथ में एक उसके कानों के अंदर सोने का कोई आभूषण पहना हुआ होता है और केवल उस आभूषण को पहने वाले को देख करके और उसकी लूट करके और हत्या कर दी जाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रशासन के लिए एक ठीक नहीं है। सर, उनका यूं कहना है, बच्चों को उनके पुत्रों का यूं कहना है कि उनके जेब में 50,000 रुपए कैश भी था। भला हो सकता है उनके जेब में कैश दे के भी कोई अपराध प्रवृत्ति के लोग उनके साथ अनहोनी घटना कर दें। बिल्कुल, ये बिल्कुल संदिग्ध है। और इसके साथ में मैं लगभग विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि हमने तहकीकात की है, उसके परिवार के लोगों से बात की है और परिवार के लोगों से बात करने पर ये मालूम हुआ कि वो अपना ससुराल से बावली करता था और वहां से 50,000 रुपए लेकर के अपने सालाजी से यहाँ पर आया और आगे जहाँ बावली की हुई थी उनको 50,000 रुपए देने थे। तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर जहाँ खड़ा है वहां पर बातचीत करते हुए या लेन देन करते हुए 50,000 का जिक्र हो और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उसको सुन ले और उसका किडनैप करके और ले गए, ऐसी आशंका। आप खुद सरकारी कर्मचारी है, अपन खुद आपको पता है कि सरकार की नीति, सरकार के कानून अपने किसी राजनीतिक दबाव से नहीं चलते हैं, लेकिन कुछ ही लोग बदमाश प्रवृत्ति के होते हैं और वो राजनीतिक दबाव न मानते हुए और प्रशासन की भी नहीं मानते, वो पूरे क्षेत्र को बदनाम करते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग है, अपराधी अपराधी होता है। बट हमारे इस केस के अंदर पुलिस प्रशासन ने और माननीय SDM साहब ने और SP मैडम ने, तीनों ने अच्छा कोऑपरेट किया है और आज हमारी जो वार्ता हुई है उस वार्ता के अंदर उन्होंने बाकायदा ढंग से हमें आश्वस्त किया है कि हर हाल में डेफिनेटली इस केस को लॉगआउट किया जाएगा और इस केस का जो भी रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और हमें विश्वास है, हम भी कोऑपरेट करेंगे। सारे के सारे बाजार के कैमरे फुटेज खंगाले जा रहे हैं, टीम पुलिस की 22 टीमें लगी हुई है और हमारे समाज के जो लोग हैं, पंच पटेल है, युवा है, सभी में बहुत भारी आक्रोश है। लेकिन आज सब लोगों के आपसी समझाइश से उस मृतक के शरीर को उनके परिजनों को सुपुर्द करने की कार्रवाई की जा रही है और फ्यूचर के अंदर हम ये प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से ये आग्रह करते हैं कि इस केस के अंदर केवल ये केवल एक मर्डर ही नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के अंदर एक खौफ का माहौल है और इस खौफ के माहौल को शांत करने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट रहे और हमें न्याय दिलाएं। सर, एक किसान व्यक्ति के साथ जब ऐसी घटना हो जाती है तो एकजुटता जताते हुए सरकारी कर्मचारी भी बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं और ये एकजुटता का परिचय देखा जा सकता है कि आपके समाज के कई सरकारी कर्मचारी भी यहाँ पहुंचे हैं, इसका मतलब न्याय के लिए सभी एकजुट होते हैं। बिल्कुल सर, न्याय के लिए बहन बेटी की इज्जत लूटना या माता पिता का मर्डर हो जाना या उनका अपहरण हो जाना, इसमें कहीं सरकारी कर्मचारी का कोई इशू नहीं है। परिवार परिवार होता है, समाज समाज होता है और आई थिंक मैं समझता हूँ कि समाज के लिए व्यक्ति को काम करना होता है, उसके अंदर यहाँ पर कोई भी किसी भी सरकारी कर्मचारी का गवर्नमेंट के प्रति या कोई सरकारी सिस्टम के प्रति कोई नॉट ऐसा इशू जैसा कोई चीज नहीं है। यदि मेरे साथ भील समाज के जन प्रतिनिधि माने या सरकारी कर्मचारी माने बागरा राम जी राणा, जिन्होंने इस मामले को लेकर काफी मशक्कत की और इसके बाद ये मामला सुलझता नजर आता है। अब परिजन सब लेने को राजी हुए लेकिन इनका सांकेतिक धरना जारी रहेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है। ओम प्रकाश चौधरी, सांचौर।